झुंझुनू की सिंघाना पुलिस ने हरियाणा के शातिर बदमाश वीरेंद्र गोठड़ी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वीरेंद्र झुंझुनू पुलिस के टॉप 10 मोस्ट वांटेड में शामिल था और उस पर एसपी गौरव यादव ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। वीरेंद्र की गिरफ्तारी डुमोली खुर्द की जोहड़े में की गई। पुलिस ने आरोपी के पास से 4 देसी कट्टे, बंदूक, 6 जिंदा कारतूस और 2 खाली कारतूस भी बरामद किए हैं। एसपी गौरव यादव ने प्रेस वार्ता में इस कामयाबी की जानकारी देते हुए बताया कि वीरेंद्र गोठड़ी की तलाश झुंझुनू पुलिस को डुमोली खुर्द में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में थी और फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है, जिसमें और भी कई वारदातों का खुलासा हो सकता है। राज्य लेवल पर कुख्यात वांछित अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसके मद्देनजर आज झुंझुनू में सिंघाना पुलिस ने जिले का 8वां टॉप 10 अपराधी गिरफ्तार किया है। यह वीरेंद्र गोठड़ी नाम का अपराधी 2 साल पूर्व एक डबल मर्डर सिंघाना थाना एरिया में हुआ था, उसमें डबल मर्डर में फरार चल रहा था। इसके खिलाफ इसके अलावा 4 अन्य मुकदमे जिसमें ये वांटेड है, टोटल 14 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हुए हैं। यह काफ़ी खूंखार किस्म का व्यक्ति है जिसका मोडस ऑपरेंडी लोगों में भय का वातावरण क्रिएट करके उनसे वसूली करना है और यदि कोई विरोध करता है तो मर्डर तक। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।